प्लेटलेट्स स्मॉल कलरलेस सेल होती है ब्लड में, इन्हें थ्रोम्बिसाइट्स भी कहते हैं। प्लेटलेट्स बनती है बोन मैरो में। बोन में स्पॉन्ज लाइक टिश्यू प्रेजेंट है जिसमें प्लेटलेट्स फॉर्म होते हैं। मैग्रियोसाइट स्टेम सेल ये बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं। ये सेल रिस्पॉन्सिबल है प्रोडक्शन करने में प्लेटलेट्स के। थ्रोम्बोप्रोटीन एक हॉर्मोन है जो लीवर या किडनी से स्टिमुलेट होता है। ये मेगाकैरियोसाइट सेल को स्टिमुलेट करते हैं प्लेटलेट रिलीज करने के लिए। ये टीनी ब्लड सेल होती हैं जो हेल्प करती है क्लोटीन फॉर्म करने में और ब्लीडिंग को स्टॉप कर देती हैं। ब्लड वेसल डैमेज होने पर ये सेंड करती है सिग्नल्स को अदर प्लेटलेट्स को। ये डैमेज हुई साइट पर जाती है और फॉर्म कर देती है क्लोटीन। इस प्रोसेस को एडहेसिन कहते हैं क्योंकि एक स्टिकी मटेरियल हेल्प करता है स्टिक करने के लिए एक दूसरे से प्लेटलेट्स को। एक केमिकल सिग्नल सेंड किया जाता है अट्रैक्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटलेट्स को। एक बार प्लेटलेट्स बन जाने पर ये ब्लड स्ट्रीम में 8 से 10 दिन तक सर्कुलेट करती हैं और उसके बाद जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट बॉडी में 1.5 लाख से 4.5 लाख होता है पर माइक्रोलीटर ब्लड में। ब्लीडिंग होने पर या कोई अदर डिजीज जैसे डेंगू मलेरिया होने पर प्लेटलेट काउंट जो है कम हो जाता है। 50,000 से कम होने पर सिचुएशन जो है वो सीरियस हो जाती है। इस कंडीशन में जो है पर्सन की डेथ भी हो सकती है। कुछ लोगों में प्लेटलेट काउंट जो है 5 लाख से 1 मिलियन तक भी हो जाता है। सीरियस हेल्थ इश्यू देखने को मिलते हैं अगर जो है ज़्यादा या कम हो जाए प्लेटलेट काउंट। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इस कंडीशन में बोन मैरो बहुत कम प्लेटलेट बनाती है। अगर प्लेटलेट काउंट कम है स्किन में ब्लीडिंग और बॉडी के इंटरनल पार्ट में ब्लीडिंग होने लगती है। कैंसर प्रेगनेंसी इन्फेक्शन एबनॉर्मल इम्यून सिस्टम से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कंडीशन जो है बॉडी में अक्कर हो जाती है। असेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया कंडीशन में बोन मैरो बहुत ज़्यादा प्लेटलेट बनाना शुरू कर देती है। प्लेटलेट काउंट 1 मिलियन से भी ज़्यादा हो जाता है। इस कंडीशन में भी सही फंक्शन नहीं कर पाती हमारी बॉडी। ब्लड क्लोटिंग जो है फॉर्म हो जाती है इंटरनली जिससे जो है ब्लड सप्लाई वो ब्लॉक हो जाती है ब्रेन और हार्ट में। प्लेटलेट्स डिसफंक्शन कंडीशन में नंबर ऑफ प्लेटलेट्स तो नॉर्मल रहती है लेकिन प्लेटलेट्स जो है अपना फंक्शन वो प्रॉपरली नहीं करती। किसी मेडिसिन के इफेक्ट से ऐसा हो सकता है जिससे बॉडी में ब्लीडिंग होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। प्लेटलेट्स किसी सीवियर ब्लीडिंग के कारण लॉस हो सकती है जैसे कोई ऑटो इम्यून डिजीज इन्फेक्शन हो जाना, इससे प्लेटलेट काउंट जो है कम हो जाता है। स्प्लीन ऑर्गन बॉडी में ये लोकेट है लेफ्ट साइड एब्डोमन में स्टमक के पास। ये फिल्टर करता है ब्लड को और रिमूव कर देता है प्लेटलेट्स को अगर जो है प्लेटलेट काउंट बॉडी में बढ़ जाता है तो। प्लेटलेट्स यूनिक पावर रखता है सेव करने के लिए पेशेंट लाइफ को। कैंसर पेशेंट प्राइमरी रेसिपेंट होते हैं प्लेटलेट्स के। एक मशीन का यूज किया जाता है एक्सट्रैक्ट करने के लिए प्लेटलेट्स को ब्लड से। हम जो है डोनेट कर सकते हैं प्लेटलेट्स को 7 दिन में एक बार और साल में 24 बार जो है प्लेटलेट्स डोनेट की जा सकती हैं।